नमस्ते जी कैसे हैं आप अन्नदाता सुखी भवा दोस्तों यह सिर्फ एक कहावत नहीं आशीर्वाद है माँ लक्ष्मी ने नारद जी से कहा था कि महिला के हाथ में शुक्र बैठे होते हैं इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह उपाय सुबह उठते ही महिलाएं करें तो घर में होती है कनक वर्षा क्या है वो उपाय चीटियाँ जी हाँ चीटियाँ ये बेहद छोटे प्राणी हैं, परंतु ये सबसे मेहनती हैं। वे अपने वजन के 10 से 50 गुना का वजन उठा सकते हैं। फिर भी हम तुच्छ मानव इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पैरों तले कुचल देते हैं आपको बता दूं काली चीटी को विष्णु भगवान का रूप माना गया है और इन काली चीटियों को शनिदेव जी का आधिपत्य भी प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चीटियों को विभिन्न चीज़ें खिलाने से देवतागण भी प्रसन्न होते हैं जैसे कि काली चीटियों को सुबह उठते ही चावल के आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर खिलाना चाहिए यह शुभ माना जाता है इस उपाय से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है वैसे नारियल के सूखे भूरे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चीटियों को डाल दें ऐसा करने से अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है जैसे कि घर में हमेशा क्लेश बना रहता है वो खत्म हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है एक और उपाय बताऊंगी बादाम को पीसकर पाउडर बना लें उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दे और चीटियों को खिला दे ऐसा करने से नौकरी को लेकर चल रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं यही नहीं अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हर उपाय में चीनी ही क्यों मिला रहे हैं चीटियों को चीनी खाना पसंद है इसलिए जी नहीं इसके पीछे एक और बड़ा कारण है शुक्र को चीनी बहुत पसंद है तो क्या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है अब मान गए जीवन में सुख सुविधाएं हम सब चाहते हैं और जैसे कि बताया कि माँ लक्ष्मी ने कहा कि हमारे हाथों में यानी महिलाओं के हाथों में शुक्र निवास करते हैं इस तरह हमारे हाथों से शुक्र को प्रिय चीज चीनी भगवान विष्णु स्वरूप काली चीटियों को खिलाए तो आप समझ सकते हैं सोने पे सुहागा अब एक और उपाय भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर इसको चीटियों को खिला देना चाहिए ऐसा करने से अगर साढ़े साती भी चल रही है तो उसका भी प्रभाव कम होता है तो यह उपाय खास करके मेरे धनु राशि वाले मित्रों के लिए है क्योंकि अभी उनका प्रेजेंटली साढ़े साती चल रहा है साथ ही मेरे सभी वृषभ राशि के भाई बहनों के लिए जिनका प्रेजेंटली अष्टम शनि चल रहा है जो कि साढ़े साथी के जितना ही माना जाता है मेरा भी वृषभ राशि है तो मैं भी यह उपाय करती हूँ वैसे आटे में चीनी मिलाकर छोटी छोटी गोली बनाकर अगर आपके घर के पास तालाब है तो मछलियों को भी डाल दें। इससे समृद्धि बढ़ती है चीटियों को आप घर के बाहर खिला सकती हैं, लेकिन छत के ऊपर नहीं यदि आप बहुत परेशान रहते हैं कि घर में बहुत सारी चीटियाँ आती हैं, तो घर के बाहर ही खिलाएं। हमारे घर में सिर्फ हमारे आंगन के तुलसी मैया के पास काली चीटियाँ आ रही हैं, तो मैं वहाँ उनके लिए आटा चीनी डाल देती हूँ यह दान सुबह उठते ही करना चाहिए सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखेंगे फिर अपने इष्ट देव का नाम लेते पलंग से उठे और जमीन को छूकर नमन करें फिर रसोई घर में यह मिश्रण बना लें। घर के मुख्य द्वार को खोलने से पहले घर के पिछले आंगन के दरवाजे को खोलना चाहिए यहाँ दरवाजा ना हो खिड़की हो तो खिड़की को ही सही उसे खोलना चाहिए इससे अलक्ष्मी देवी बाहर चली जाती हैं। फिर मुख्य द्वार खोलकर माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं फिर इस तरह चीटियों को खिलाते हैं वैसे भी अच्छे कर्म और सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाते कभी भी हमारे किसी भी कठिन समय में हमारे पुण्य फल ही हमारा सहारा बन खड़े होते हैं और मेरा तो ये मानना है नेक काम में देरी कैसे और नेक काम में स्त्री पुरुष भी ना देखें यह उपाय सभी कर सकते हैं अच्छा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्ते